वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरा 12.5 से 13 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स पर, और उसके साथ मैंने बैटरीज पे भी काम किया है। एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने बैचलर्स किया है इलेक्ट्रिकल में, और इनकी तमाम टेक्निकल टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो बातें बताऊंगा जो किसी डीलर को पता नहीं होती। लेकिन जब रात सारी बैटरी चार्जिंग पे लगी रहेगी तो जो पीक आवर है जिधर बिजली का बिल ज़्यादा बनता है, और जो मेरे दोस्त बिल को समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को समझते हैं, अगर 90 यूनिट ऐड होंगे तो उनकी जो कंजप्शन की स्लैब है वो बढ़ जाएगी। इस बैटरी का वेट कम होता है, ये लाइट वेट होती है। आपको ये वाला 100 यूनिट पड़ेगा तकरीबन 20 रुपये पर यूनिट। सबसे पहले बैटरी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक बाइक में दो ही चीज़ें हैं, एक बैटरी है और एक मोटर है। जनरली इसकी लाइफ 1000 साइकिल्स हो सकती है, जो कि मार्केट में तकरीबन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बैटरी की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैदर अली होठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होठी फिल्म्स। थंबनेल से आपको पता चल चुका है कि आज की वीडियो इलेक्ट्रिक बाइक्स पर है। मार्केट में मौजूद तमाम इलेक्ट्रिक बाइक्स का पोस्टमार्टम करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स में भी क्वेश्चंस किए थे और कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पे भी कॉल की थी, मैसेज किए थे, उनके कुछ सवाल थे, उनके कुछ कंसर्न्स थे इलेक्ट्रिक बाइक को लेके। तो आज मैं मुकम्मल पोस्टमार्टम कर दूंगा तमाम इलेक्ट्रिक बाइक का जो कि मार्केट में मौजूद हैं। जोल्टा है, रोड किंग है, MS जैगवार है, इनकी तमाम टेक्निकल टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो बातें बताऊंगा जो किसी डीलर को पता नहीं होती, और जो आम रिव्यू करने वाले, वीलॉग करने वाले मेरे दोस्त हैं उनके पास भी इतना नॉलेज नहीं होता कि आपको वो बातें बता सकूं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रिक बाइक की तमाम टेक्निकल टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बात सुन के आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि आप कौन है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आप कैसे हमें बता सकते हैं वो टेक्निकल टर्म्स जो कि किसी को भी नहीं पता, जो कि मार्केट में वीडियो वाले भी नहीं बता रहे और जो डीलर्स हैं वो भी नहीं बता रहे। तो उसके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल में, और वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरा 12.5 से 13 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स पर, और उसके साथ मैंने बैटरीज पे भी काम किया है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं वो इलेक्ट्रिकल टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो कि एक डीलर आपको नहीं बता सकता, जो कि एक वीलॉग करने वाला, रिव्यू देने वाला आपको नहीं बता सकता। अच्छा, डिटेल्ड पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, आपको मेरा जो एक्सप्लेन करना है वो अच्छा लगता है, आपको समझ आती है मेरी बात की, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है। और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी या कोई और बात पूछना चाहते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो आपने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीडबैक ही मोटिवेट करता है एक वीडियो बनाने वाले को, तो फीडबैक ज़रूर देना है आपने। जो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे कई दोस्तों का, उन्होंने पूछा था कि हैदर भाई हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये फिजिबल है कि नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं कि नहीं हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपको पेट्रोल बाइक वाला कभी मज़ा नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल बाइक वाली स्पीड नहीं दे सकती, वो पावर नहीं दे सकती, वो पिक नहीं दे सकती। तो चलें आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए कि नहीं। तो मेरा जवाब ये है कि हमें बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए। इसके कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये माहौल दोस्त है। आपको पता है कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब कुछ आपके सामने है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये पेट्रोल बाइक्स, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिक बाइक माहौल दोस्त है, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस नहीं करती ये इन्वायरमेंट में। और दूसरा जो इसका है वो रोज़ का ख़र्चा नहीं है इस पर, आपने एक माह बाद बिल देना है, जैसे आपकी सैलरी आती है आप बिल पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, रोज़ का ख़र्चा नहीं है, मेंटेनेंस कम है, सिर्फ एक ब्रेक शू आपने चेंज करने या टायर ट्यूब हैं, तो वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते, इसलिए रोज़ का ख़र्चा नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम कैलकुलेट करें, सारा ख़र्चा निकालें, तो ये मुझे उम्मीद है कि कुछ सस्ती पड़ेगी पेट्रोल बाइक से, तो इसलिए भी हमें लेनी चाहिए। तो सिंपल सा आंसर ये है कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए। अब दोस्तों का दूसरा सवाल था कि हैदर भाई अगर लेनी चाहिए तो फिर कौन सी लेनी चाहिए। मार्केट में जो ज़्यादा घूम रही है बाइक वो तीन है, जोल्टा है, रोड किंग है और MS जैगवार है। हम कौन सी लें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बेहतर है। तो मार्केट में कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक बेहतर है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको तमाम टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुकम्मल पोस्टमार्टम कर दूंगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि कौन सी बाइक हमारे लिए बेहतर है और हमने कौन सी बाइक लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं जोल्टा पे। तो अगर मैं जोल्टा की बात करूँ
सबसे पहले बैटरी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक बाइक में दो ही चीजें हैं, एक बैटरी है और एक मोटर है। तो अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो जोल्टा में ड्राई बैटरी इस्तेमाल हुई है, आम जो ड्राई बैटरी होती है जोल्टा में वो बैटरी इस्तेमाल हुई है। टेक्नोलॉजी भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, और उस बैटरी की लाइफ मैक्सिमम 2 साल हो सकती है, और जोल्टा वाले ख़ुद भी उसकी 6 माह की वारंटी दे रहे हैं बैटरी की। और मज़ीद बैटरी का बता दूँ कि उस बैटरी में लॉसेस भी हैं, मतलब जितनी कैपेसिटी की बैटरी लगाई है उतनी कैपेसिटी आपको सर्किट में मिलेगी भी नहीं। और अगर मोटर की बात करता हूँ तो आम डीसी मोटर है, और मोटर की वारंटी भी 6 माह दे रहे हैं, तो 6 माह बैटरी की वारंटी है, 6 माह मोटर की वारंटी है। और अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो अगर जोल्टा वाले फ़र्ज़ कर 80 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, तो जो मैंने कैलकुलेट की है, मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ये जोल्टा वाली बाइक 50-60 किलोमीटर से ऊपर कभी भी नहीं कर सकती फुल चार्ज में। और जोल्टा वाले क्लेम करते थे कि 1 से 1.5 यूनिट में बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, लेकिन बैटरी का चार्जिंग टाइम तकरीबन 8 से 10 घंटे है। तो वो मैंने सारी कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि ये बैटरी जोल्टा वाली 2.5 से 3 यूनिट में चार्ज होगी, और इसकी चार्जिंग टाइम भी 8 से 10 घंटे हैं। आपने रात को बैटरी चार्जिंग पे लगानी है, लेकिन जब रात सारी बैटरी चार्जिंग पे लगी रहेगी तो जो पीक आवर हैं, जिधर बिजली का बिल ज़्यादा बनता है, वो आवर्स शाम को 6 से 9-10 बजे तक होते हैं। तो उन टाइम में भी बैटरी चार्जिंग भी होगी तो आपको बिल ज़्यादा आएगा, तो ये भी फिजिबल नहीं है। बिजली का बिल भी इसका ज़्यादा है, इसकी वारंटी भी कम है, बैटरी और मोटर की टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हल्की है, और इसके अलावा जो माइलेज क्लेम करते हैं वो माइलेज आपको बाइक देगी भी नहीं। और सर जो सबसे बड़ी बात है, ये जोल्टा वाली बाइक 2 बंदों के लिए फिजिबल भी नहीं है। जैसे ही 2 बंदे बैठेंगे बाइक की एफिशिएंसी बिल्कुल नीचे आ जाएगी, बाइक की माइलेज बहुत कम हो जाएगी, बाइक की स्पीड कम हो जाएगी। इन्होंने बाइक में इस्तेमाल किया 1000 वाट की मोटर, तो जैसे ही 2 बंदे बैठेंगे तो मोटर पर ज़्यादा लोड आ जाएगा। और इसके अलावा एक और बात है, आप बाइक पर निकलते हैं आपकी चार्जिंग कम हो जाती है, तो चार्जिंग टाइम है 8 से 10 घंटे, तो आपने कैसे चार्ज करेंगे उसको, इतना टाइम आपके पास कैसे होगा ऑफिस जाते हुए या ऑफिस में, कि आपने इसको 8 से 10 घंटे में चार्ज करना है। तो एक ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए जोल्टा मुझे लगता है कि जोल्टा फिजिबल नहीं है, जोल्टा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, जोल्टा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तो होगी जोल्टा की बात। अब बात करता हूँ मैं रोड किंग की, तो अगर रोड किंग की बात करते हैं तो उन्होंने लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की है। ये लिथियम आयन बैटरी आम ड्राई बैटरी से बेहतर है, इसकी क्वालिटी कुछ बेहतर है, इसकी लाइफ भी बेहतर है। अगर मैं लिथियम आयन बैटरी की एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करता हूँ तो जनरली इसकी लाइफ 1000 साइकिल्स हो सकती है। 1000 साइकिल का मतलब ये है कि ये बैटरी 1000 मरतबा चार्ज, 1000 मरतबा डिस्चार्ज हो सकती है। तो अगर आप इसको एक दिन में एक बार चार्ज करते हैं तो ये 1000 दिन तक इसकी बैटरी चल सकती है। 1000 दिन का मतलब ये है कि ये तकरीबन चलेगी 3-3.5 साल। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस बैटरी को 3 से 3.5 साल चलना चाहिए, लेकिन जो रोड किंग वाले हैं वो भी बैटरी की वारंटी है वो 6 माह की दे रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी यूज़ की है, उस टेक्नोलॉजी की लाइफ तकरीबन 3 साल है, तो इनको चाहिए था कि इसकी वारंटी ज़्यादा देते, लेकिन फिर भी ये बैटरी की वारंटी 6 माह दे रहे हैं। और अब अगर रोड किंग में इस्तेमाल होने वाली मोटर की बात करता हूँ तो वो मोटर भी आम डीसी मोटर है, उसमें भी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये बाइक भी 2 बंदों के लिए फिजिबल नहीं है। जैसे ही 2 बंदे बैठेंगे इसकी एफिशिएंसी भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। उसकी वजह ये है कि इसकी बैटरी में भी लॉसेस है, बैटरी की एफिशिएंसी भी कम है, बैटरी की जितनी कैपेसिटी है वो सारी आपको सर्किट में नहीं मिलेगी, बैटरी में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। उसके अलावा मोटर में भी लॉसेस है, मोटर की फुल पावर आपको सर्किट में नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से इस बाइक की एफिशिएंसी भी 2 बंदों में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ना स्पीड मिलेगी ना आपको माइलेज मिलेगी। लेकिन एक बात जो मुझे पता चली है कि रोड किंग वाले कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, तकरीबन 10-12 दिन में 15 दिन में उनकी अपग्रेडेशन आ रही है, तो अभी मुझे पता नहीं है, जैसे ही लेकिन अपग्रेड आती है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपको बता दूंगा उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि उन्होंने क्या अपग्रेड किया है, कौन सी अपग्रेडेशन की है और उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये तो होगी जोल्टा और रोड किंग की बात। तो मेरे ख्याल से रोड किंग भी फिजिबल नहीं है। अगर रोड किंग का चार्जिंग टाइम की बात करता हूँ तो वो भी तकरीबन 5 घंटे है, ठीक है, 5 घंटे इनका चार्जिंग टाइम है, और जो इन्होंने 7 चार्जर दिया है, अगर वो तमाम कैलकुलेशन करें तो इनका भी जो चार्जिंग की कॉस्ट है वो तकरीबन 2.5-3 यूनिट बनी जाएगी, 2 से 3 यूनिट उसकी भी चार्जिंग कॉस्ट बन जाती है। तो 2.5 से 3 यूनिट का मतलब है कि अगर आप रोज़ जोल्टा बैटरी को और रोड किंग की बैटरी को रोज़ एक बार चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन 90 यूनिट बन जाएगी 1 माह में। और जो मेरे दोस्त बिल्कुल समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल समझते हैं, अगर 90 यूनिट ऐड होंगे तो उनकी जो कंजप्शन की स्लैब है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 100-100 के हिसाब से स्लैब बनाई है बिजली वालों ने, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने, तो 100 यूनिट का बिल और है और 100 से ऊपर वाले यूनिट का बिल और है।
तो जैसे ही अगर आप फर्ज करें 200 यूनिट घर में इस्तेमाल कर रहे हैं पहले, तो जोल्टा लेंगे तो 100 यूनिट इसका बढ़ जाएगा, या रोड किंग लेंगे 100 यूनिट इसका बढ़ जाएगा, तो ये बात 300 से ऊपर चली जाएगी। मतलब पहले 100 यूनिट का अगर बिल आपको पड़ रहा है तकरीबन 11 रुपये पर यूनिट, तो अगले 100 का आपको पड़ेगा 15 रुपये पर यूनिट। और जैसे ही ये आप 200 से ऊपर जाएंगे 300 की तरफ या 300 से ऊपर जाएंगे, तो आपको ये वाला 100 यूनिट पड़ेगा तकरीबन 20 रुपये पर यूनिट। तो इस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा जोल्टा और रोडकिंग की बात करता हूँ, तो ये कहते हैं कि ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, लेकर ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बैटरी और मोटर चाइना से इंपोर्ट की है और बाइक इधर असेंबल कर रहे हैं। जोल्टा वाले लाहौर कर रहे हैं, रोडकिंग वाले फैसलाबाद में कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इनकी नहीं है, टेक्नोलॉजी चाइनीज़ है और टेक्नोलॉजी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो दो बाइक्स हैं जोल्टा और रोडकिंग, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी एफिशिएंसी भी कोई ख़ास नहीं है। तो अब बात करते हैं MS जैगवार पे। MS जैगवार के मतलब लोगों ने भी पूछा था, कुछ दोस्तों ने 70 के बारे में पूछा था, कुछ दोस्तों ने 125 के बारे में पूछा था, लेकिन मैं जनरल इनकी टेक्नोलॉजी पे बात कर दूंगा, आपको सारी बात खुद ही समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक बाइक बची है MS जैगवार, उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर MS जैगवार की बैटरी की बात करता हूँ, तो इन्होंने बैटरी में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है लिथियम आयरन फास्फेट, जो कि मार्केट में तकरीबन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बैटरी की और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है मार्केट में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, उनसे बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनिशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाइक ख़रीदना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। ये जो रीज़नेबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी बैटरी की, वो यूज़ हुई है MS जैगवार में लिथियम आयरन फास्फेट। इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस बैटरी का वेट कम होता है, ये लाइट वेट होती है, तो वेट कम होने का फ़ायदा ये है कि जैसे ये बाइक में लगेगी, बाइक के ऊपर बैटरी का वेट कम होगा, क्योंकि जैसे वेट बढ़ता है इलेक्ट्रिक बाइक की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जोल्टा की बैटरी से या रोड किंग की बैटरी से, तो वो बैटरीज भारी थी, उनकी नस्बत ये बैटरी हल्की है, तो वज़न कम होने की वजह से बाइक की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो पहली बात ये होगी बैटरी की। अब अगर दूसरी बात करता हूँ बैटरी की, तो इस बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसमें लॉसेस कम होते हैं। इस बैटरी की जितनी कैपेसिटी होती है तकरीबन 98% 99% वो कैपेसिटी आपको सर्किट में मिल जाती है, बाकी बैटरीज में लॉसेस होके आपको कैपेसिटी कम मिलती है सर्किट में, लेकिन जो लिथियम आयरन फास्फेट टेक्नोलॉजी है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसकी तकरीबन पूरी कैपेसिटी आपको सर्किट में मिल जाती है लॉसेस कम होने की वजह से। अब अगर बैटरी की लाइफ की बात करता हूँ, तो जो लिथियम आयरन फास्फेट टेक्नोलॉजी है इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5000 साइकिल्स तक हो सकती है। अगर हम रोड किंग के साथ कंपेयर करें तो ये 5 गुना लाइफ ज़्यादा है। 5000 साइकिल्स का मतलब आपको पहले बताया है कि 5000 मरतबा चार्ज और डिस्चार्ज, तो 5000 मरतबा चार्ज और डिस्चार्ज एक दिन में एक बार चार्ज करेंगे तो ये 5000 दिन चलेगी, तो ये तकरीबन 12-13 साल बनते हैं। तो अगर हम इसको निकाल दें, कुछ लॉसेस निकाल दें, तो फिर भी 10 साल इसकी लाइफ एक्सपेक्टेड है, 10 साल ये बैटरी चल सकती है। तो अगर वारंटी की बात करते हैं, तो MS जैगवार वाले 5 साल की अपनी बैटरी की वारंटी दे रहे हैं। तो देखिए वारंटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, जोल्टा वाले 6 माह की, रोड किंग वाले 6 माह की, लेकिन MS जैगवार वाले तकरीबन 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। और इसके अलावा ये सीधी बात बता रहे हैं कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, हमने उधर से इम्पोर्ट की है, हम ये खुद नहीं बना रहे, बैटरी और मोटर उधर से आ रही है, हम इधर असेंबल करके दे रहे हैं साहिवाल में। और इसके अलावा ये जो बैटरी में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है लिथियम आयरन फास्फेट, इसकी एक और खूबी है कि इस टेक्नोलॉजी से भरी हुई बैटरी आखिर तक ड्रेन हो सकती है। आप इस बैटरी को मुकम्मल ड्रेन भी कर देंगे तो ये दोबारा फिर चार्ज हो जाएगी। आपको पता है कि हमारी कुछ बैटरी आप मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, अगर बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाए तो बाज़ औक़ात वो चार्जिंग पकड़ती नहीं है, उसको फिर झटका लगवाना पड़ता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बैटरी में इस्तेमाल की है MS जैगवार वालों ने लिथियम आयरन फास्फेट, ये जितनी मर्जी ड्रेन हो जाए, 0% में भी चली जाए, उसके बाद जैसे चार्जिंग में लगाएंगे ये फुली चार्ज हो जाएगी, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट आएगी। तो अब अगर मज़ीद इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो ये MS जैगवार वाले इसमें फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रहे हैं। फास्ट चार्जिंग में 2 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जो रेगुलर चार्जर है उसमें 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो जो मैंने इनका चार्जर देखा है, जो तमाम कैलकुलेशन की है, तो इनकी जो 5 घंटे में अगर बैटरी चार्ज होती है 70 वाली, तो वो तकरीबन 2 यूनिट आपका इस्तेमाल करेगी। तो तमाम लॉसेस डाल के वो तकरीबन 2 यूनिट के आसपास आपकी बिजली खर्च करेगी। तो मेरे ख्याल से जोल्टा और रोड किंग के हिसाब से ये चार्जिंग का खर्चा भी इसका कम है थोड़ा सा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको टेक्नोलॉजी का बताया कि बैटरी की टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसके साथ इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, ये बैटरी महंगी है, इसी वजह से MS जैगवार
जो 70 है या 125 है, ये मार्केट में तमाम बाइक्स से महंगी है। और अब अगर मोटर की बात करता हूँ तो इन्होंने MS जैगवार वालों ने BLDC मोटर इस्तेमाल की है। अगर BLDC मोटर को एक्सप्लेन करता हूँ तो BLDC का मतलब है ब्रशलेस DC मोटर, इसमें ब्रशेज नहीं है। ब्रशेज ना होने का मतलब ये है कि इस मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस कम है, इस मोटर में बिजली ज़ाया कम हो रही है और आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, स्पीड ज़्यादा मिल रही है, पावर ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरह एफिशिएंसी ज़्यादा है जो मार्केट में बकिया इलेक्ट्रिक बाइक है उनकी मोटर से। उसके बाद एक और टेक्निकल टर्म है, वो ये है कि जो BLDC मोटर होती है ना, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है। जो हमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना पड़ता है BLDC मोटर के लिए, वो आसान है, उस पर कम खर्चा आता है, उसमें लॉस कम होते हैं। तो इसी वजह से BLDC मोटर के और ज़्यादा लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी मजीद बढ़ जाती है। उसके अलावा ये जो BLDC मोटर है, ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होती। ज़्यादा ना हीटअप होने का मतलब ये है कि मोटर की लाइफ ज़्यादा होगी, क्योंकि मोटर जब ज़्यादा गर्म होती है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन जो वारंटी है वो 5 साल दे रहे हैं। फिर देखें, जो जोल्टा वाले और रोड किंग वाले मोटर की वारंटी वो 6 माह दे रहे थे, लेकिन MS जैगवार वाले 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वजह से ये जो मोटर की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, बैटरी की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और वारंटी भी ज़्यादा दे रहे हैं। और मज़ीद, MS जैगवार वालों ने 1500 वाट की मोटर यूज़ की है MS जैगवार 70 में, और 125 में 2000 वाट की मोटर इस्तेमाल की है। और जो बैटरी लगी है इसमें, वो बैटरी इस मोटर को तकरीबन 2 घंटे तक चला सकती है। मतलब जो टेक्निकल कैलकुलेशंस है वो करें, करंट वगैरह निकाल के, वोल्टेज वगैरह निकाल के, तो ये मोटर 2 घंटे तक चल सकती है। और 2 घंटे में ये मोटर आपकी बाइक को तकरीबन 80-85-90 किलोमीटर तक लेके जा सकती है। और इसके अलावा इस मोटर में लॉसेस कम है, इसलिए पावर ज़्यादा देती है, और ये 2 बंदों के लिए बाकी दोनों बाइक से ज़्यादा फिजिबल है। जो जोल्टा वाली है, जो रोड किंग वाली है, वो 2 बंदों पे अगर आपको, मतलब फ़र्ज़ करें फुल चार्ज पे 30 किलोमीटर दे रही थी ना, तो ये जो अपनी MS जैगवार वाली है, ये 2 बंदों पे आपको तकरीबन 40 किलोमीटर देगी, उससे ज़्यादा माइलेज करेगी और पावर भी ज़्यादा देगी। 2 बंदों के ऊपर बाइक बिल्कुल बैठ नहीं जाएगी, क्योंकि बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इसलिए ये 2 बंदों के लिए भी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है बाकी बाइक की निस्बत। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले बताई है कि 2 बंदों पे बाइक की एफिशिएंसी पहले वाली नहीं रहेगी जो कि सिंगल बंदे पे है। बाइक की एफिशिएंसी तकरीबन 50% नीचे आ जाएगी हर बाइक की, लेकिन जोल्टा और रोड किंग की ज़्यादा गिर जाएगी, और जो MS जैगवार इसकी कदर बेहतर रहेगी कि 2 बंदों पे। तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कौन सी बाइक मार्केट में ज़्यादा बेहतर है। चलें, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।